विजय चिकन समोसे का ठेला लगाता था। उसके हाथ के चिकन समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण हमेशा ही उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन विजय के ठेले पर गोपाल नाम के एक लालची आदमी की नजर जाती है और वो सोचता है, विजय बहुत ही पैसे कमा रहा है, मैं भी अपना चिकन समोसे का ठेला लगाऊंगा यहाँ पर, आखिर मेरा भी तो अधिकार है पैसे कमाने पर। गोपाल दूसरे दिन से ही विजय के ठेले के सामने अपने चिकन समोसे का ठेला लगाता है, पर लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा विजय के पास ही जाते थे। इस वजह से गोपाल ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो जाता है। इस बात से गोपाल के मन में विजय के प्रति ईर्ष्या जाग जाती है। अब वो कैसे भी करके विजय का ठेला बंद करवाना चाहता था। मुझे कोई तो रास्ता खोजना होगा जिससे विजय खुद होकर अपना ये चिकन समोसे का ठेला बंद कर दे। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। गोपाल दिन रात सोचकर एक प्लान बनाता है। फिर एक रात का समय आता है। विजय ठेला बंद करके अपने घर जा रहा था कि तभी उसके सामने एक जायंट चिकन आ जाता है। उस जायंट चिकन को देखकर विजय डर के मारे कांपने लगता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, मेरी जात वालों को मारकर तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, अब तू अपना ठेला बंद कर दे या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो जायंट चिकन विजय पर हमला कर देता है। तब विजय डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। गोपाल तो उसकी ये हालत देखकर खुशी से हंसने लगता है। वो उस जायंट चिकन के अंदर बैठकर वहां से आवाज निकल रहा था। तब वो कहता है, अब तो ये बेवकूफ विजय अपना ठेला बंद करके ही रहेगा, देखो कैसे डर के मारे भाग गया। वाह वाह गोपाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तेरा तो प्लान काम कर गया। उस जायंट चिकन को गोपाल ने ही बनवाया था, वो कोई असली जायंट चिकन नहीं था, पर विजय को पता ना होने की वजह से वो डर जाता है। लेकिन दूसरे दिन रात को जो हुआ वो बुरा सपना समझकर विजय भूल जाता है। दूसरे दिन वो काम पर आ जाता है। उसका चिकन समोसे का काम उस दिन अच्छे से चलता है। तब गोपाल को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो सोचता है, तू एक बार से मानेगा नहीं ना, ठीक है आज रात फिर से जायंट चिकन तुम्हें डराने आएगा। उस रात भी विजय के साथ वही सब होता है। जायंट चिकन फिर से विजय के सामने आकर उस पर हमला बोल देता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब तो विजय अपना ठेला बंद करने का ठान ही लेता है। दूसरे दिन वो चिकन समोसे का ठेला बंद करने के बारे में अपने बीवी रीना को बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, क्या कहा, आप चिकन समोसे का ठेला बंद करोगे? अरे पर क्यों? वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ डरे हुए रहते हो, क्या बात है, उस गोपाल ने तो धमकाया नहीं तुम्हें? सच सच बताओ क्या बात है। तब विजय जायंट चिकन की बात उसे बताता है। ये सुनकर रीना कहती है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है आज मैं उस जायंट चिकन से मिलकर उसके पीछे का असली गुनहगार ढूंढ कर ही रहूंगी। चलो आज मैं तुम्हारे साथ काम पर आती हूँ, देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे मेरा ठेला चलाने से। रीना विजय को लेकर चिकन समोसे का ठेला फिर से शुरू करती है। हमेशा के जैसे विजय के ठेले पर चिकन समोसे के लिए भीड़ लगती है तो गोपाल के यहाँ मक्खियों की। तब गोपाल कहता है, अच्छा तो इस विजय ने अपनी पत्नी को भी अब काम पर लगा लिया है, आज इन दोनों पति पत्नियों को सबक सिखा के ही रहूंगा। उस रात प्रीना और विजय ठेला बंद करके वहां से जा रहे थे कि तभी वो जायंट चिकन फिर से उनके सामने आ जाता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, तुम दोनों को कितना भी समझाओ लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है, आज तो मैं तुम दोनों को मारकर ही दम लूंगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ, हाथ ना तोड़कर रख दूं तो मेरा नाम भी रीना नहीं। रीना सब समझ जाती है कि ये कोई असली जायंट चिकन नहीं है बल्कि इसके अंदर में कोई तो है जो बोल रहा है। तब रीना लकड़ी लेकर उस जायंट चिकन को ही मारने लगती है। विजय रीना का साथ देता है। अंदर बैठा गोपाल ये मार सहन नहीं कर पाता और जायंट चिकन लुढ़क कर जमीन पे गिर जाता है। तब उसके अंदर से जैसे तैसे गोपाल बाहर निकल आता है। रीना और विजय गोपाल को पकड़ लेते हैं। तब रीना कहती है, मुझे तो तुम पर ही शक था, तभी तो सोचूं कि ये जायंट चिकन बस विजय को ही क्यों डरा रहा है, तुम्हें क्यों नहीं? रीना गोपाल को पुलिस के हवाले कर देती है।
तब दोनों रीना और विजय मिलकर अपना चिकन समोसे का ठेला चलाते ही रहते हैं। गरीब रोटी पिज्जा वाली की सफलता। मीना एक गरीब लड़की थी जो कि रोटी बनाकर बेचा करती थी। एक बार पड़ोसन मीना के घर आती है और मीना के माँ से कहती है, अरे ओ मीना की माँ, सुना है कि वो मंदा की बेटी की बात पक्की हो गई है। हमारी मीना का तो पता नहीं कब रिश्ता होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो मीना के लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं। सुना है कि मंदा ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया है। अब तो मीना की भी उम्र बढ़ रही है, पता नहीं उसे कैसा वर मिलता है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, कोई ना कोई तो उसके नसीब में भी होगा ना। हाँ हाँ होगा तो जरूर, पर तुम्हारे पास क्या इतना दहेज है क्या देने के लिए। पड़ोसन की बातें सुनकर तो माँ की आंखों में पानी आ जाता है। तभी मीना वहाँ आ जाती है और पड़ोसन से कहती है, चाची जी आपको मेरे लिए इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखना एक दिन मैं इन्हीं रोटियों के दम पे आगे बढ़ूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। आप जाइए अपने घर और अपने ही घर को संभालिए। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो पड़ोसन वहां से चली जाती है और मीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ आप इन जैसे लोगों की बातें सुनते ही क्यों हो? अगर हम अमीर होते तो क्या ये लोग ऐसी बातें करते हमारे बारे में? पर बेटा उसकी बात भी तो सही थी ना। माँ अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं भी अमीर बन के रहूंगी। मीना वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। मीना रोटियां बनाकर बेचती थी और उसी पैसों से उसका घर चलता था। पर मीना अब कुछ नया करना चाहती थी। रोटी के बिजनेस से उसे कम पैसे मिल रहे थे। तब मीना सोच रही थी, मुझे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं और इन लोगों के मुंह बंद करने हैं। मीना ऐसे सोचती ही रहती है कि तभी वो देखती है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, माँ मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा ला दो ना माँ। अरे बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा खरीद सकूं। घर चलो मैं तुम्हें दाल खिचड़ी बना के देती हूँ। माँ अपने बच्चे को समझा रही थी। ये सब मीना देख लेती है। उसे तभी रोटी पिज्जा का आइडिया आता है और वो तुरंत एक रोटी पिज्जा बनाती है और उस रोटी पिज्जा को लेकर बच्चे के पास जाती है। ये लो बेटा तुम्हें पिज्जा खाना था ना, ये लो मेरे हाथ का बना हुआ रोटी पिज्जा। पर मेरे पास पैसे नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। बच्चे को वो रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है और पिज्जा खाने के बाद कहता है, दीदी दीदी रोटी पिज्जा बहुत अच्छा था। ये तो सही आइडिया है, पिज्जा खाने का मन तो हर किसी का होता है पर पैसों की कमी की वजह से वो खा नहीं पाते हैं। मैं कल से ही रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। दूसरे दिन से ही मीना रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती है। रोटी पिज्जा की बात जानकर लोग मीना के दुकान में आने लगते हैं। लोग भी वो रोटी पिज्जा खाने लगते हैं। उन्हें भी रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है। वो सब रोटी पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर क्या, मीना अपनी दुकान बढ़ाती है और काम के लिए कुछ नौकर भी रखती है और रोटी पिज्जा का ऑनलाइन ऑर्डर भी लेना शुरू करती है। धीरे धीरे मीना के रोटी पिज्जा की बात फैल जाती है। मीना को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। एक दिन मीना अपनी दुकान में काम कर रही थी कि एक धनवान आदमी मीना के दुकान में आकर कहता है, सुनो तुम्हारे रोटी पिज्जा के बारे में मैंने बहुत सुना है, जरा मुझे भी देना एक रोटी पिज्जा। मीना उस आदमी को रोटी पिज्जा देती है। रोटी पिज्जा सच में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, उसे वो बहुत पसंद आता है और मीना की मेहनत को भी देख लेता है। वो धनवान रोटी पिज्जा के पैसे देकर वहां से चला जाता है और वो सीधा मीना के घर चला जाता है
और मीना के माँ से मीना के रिश्ते की बात करता है। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मीना, देखो तो तुम्हारे लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। मीना उस धनिक आदमी को पहचान जाती है और कहती है, आप तो मेरे दुकान आए थे ना रोटी पिज्जा खाने। हाँ बेटा, मुझे तुम जैसी ही मेहनती लड़की चाहिए थी मेरे बेटे के लिए। और हाँ, शादी के बाद भी तुम अपना ये रोटी पिज्जा का कारोबार शुरू रख सकती हो। माँ के कहने से मीना शादी के लिए हाँ कहती है। जो पड़ोसन पहले मीना को खरी खोटी सुनाती थी, आज वो मीना की ये प्रगति देखकर और उसकी शादी बड़े से घर में होते देखकर बहुत जलने लगती है। मीना की धूमधाम से बड़े घर में शादी हो जाती है। मीना के दिन ही बदल जाते हैं। शादी के बाद मीना ने अपना एक बड़ा सा होटल खोला और एक बहुत ही सफल औरत बन जाती है।